नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों के एटीएम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी भी बैंक का ग्राहक एटीएम जाता है और उस एटीएम में कैश नहीं रहता है तो उसका हर्जाना बैंक को भुगतना पड़ेगा। ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी का अकाउंट लॉक कर दिया है। इससे पहले ट्विटर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य नेताओं के अकाउंट को लॉक कर चुकी है। अकाउंट लॉक होने की जानकारी कांग्रेस ने फेसबुक पोस्ट में की है। इसके साथ ही पार्टी ने लिखा है कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बिहार सरकार ने बिहार की बहनों के लिए अभी से ही एक अहम घोषणा की है, जिसके तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सिटी सुबस की बसों से महिला मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। राखी के दिन सिटी बस में कितनी भी दूर तक सफर करने के लिए उन्हें किसी तरह का किराया नहीं देना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह सचिव के पद पर किसी नए अधिकारी की नियुक्ति करने के बजाय गृह मामलों के मंत्रालय में वर्तमान गृह सचिव और असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी अजय कुमार भल्ला को एक साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू हो चुका है। हालांकि बारिश के कारण मैच में खलल देखने को मिली, मगर अंततः टॉस करवाया गया जिसमें इंग्लैंड की टीम को जीत मिली और जीत के साथ ही टीम ने गेंदबाजी चुनकर मैदान में उतरने का फैसला लिया है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पाइस जेट की तरफ से मुंबई से दरभंगा के लिए विमानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब 15 अगस्त से प्रतिदिन 2 की जगह 4 विमान उड़ान भरेंगे। इसके लिए अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी गई है। शुरुआती किराया लगभग 4000 रुपए रखा गया है। ओडिशा का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कोरोना प्रतिबंधों की वजह से 3 महीने तक बंद रहने के बाद गुरुवार को खुल गया है। एक अधिकारी ने बताया है कि पहले फेज में केवल सेवकों के परिवारों के सदस्यों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई है, वहीं 24 से श्रद्धालु भी जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रविवार को शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में तिरंगा फहराएंगे। भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी कर सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। भाजपा सांसद द्वारा लालू यादव को घटिया मानसिकता वाला व्यक्ति बताए जाने पर राजद ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही भाजपा नेता को मानसिक विकलांग, सिरफिरा और जाहिल बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने का दर्द एक बार फिर से इमरान खान की जुबान पर साफ तौर पर दिखाई दिया, जिसके तहत सरकारी आवास पर एक विदेशी पत्रकार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस पर न केवल अफसोस जताया बल्कि ये भी कहा कि भारत के अमेरिका के साथ जाने के बाद से ही उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। राज्यसभा में बुधवार को महिला सांसदों के साथ कथित धक्का मुक्की का मामला गरमाता जा रहा है। गुरुवार को आरोपों पर सरकार ने जवाब देने के लिए 8 केंद्रीय मंत्रियों की टीम को उतारा है। हालांकि इन सभी ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा कि 12-15 अगस्त के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में व्यापक से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है और पटना के आसपास के लाखों लोग बाढ़ से भी प्रभावित हो चुके हैं। वहीं भोजपुर, मुंगेर, बख्तियारपुर सहित अन्य इलाकों में तैनात टीमों को 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा बनते देखे गए। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने मास्टर कृषि सखी चंपा सिंह से बातचीत की, साथ ही कहा कि महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक ने भारत के नीरज चोपड़ा को हर बुधवार को अपडेट होने वाली नवीनतम विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में 14वें स्थान की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। हम हिंदुस्तानी में बॉलीवुड की 15 हस्तियां पहली बार देशभक्ति के साउंड ट्रैक के लिए एक साथ आने वाली है। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, पद्मिनी कोल्हापुरे, अनिल अग्रवाल, सोनू निगम, कैलाश खेर, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार ने इस गाने को अपनी आवाज दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न विभागों में असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर कुल 347 रिक्तियों के लिए आवेदन की मांग की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला चांदी के झूले पर झूलेंगे। उनका यह झूला 21 किलो चांदी से बना है। बुधवार को यह खास झूला रामलला को सौंप दिया गया है। ऐसा पहली बार है जब रामलला के लिए चांदी का विशेष झूला बनवाया गया है।
काजीरंगा सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। 27 मई को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध शिकार रोकने के लिए सैटेलाइट फोन लगाने का निर्णय लिया गया। हवाई यात्रा प्रदान करने वाली कंपनी स्पाइसजेट ने गुरुवार को बयान देते हुए बताया कि अब यात्री एयरलाइंस इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म स्पाइस स्क्रीन सेवा के जरिए फ्लाइट के दौरान ही एयरपोर्ट ट्रांसफर के लिए कैब की बुकिंग कर सकते हैं। पहले चरण में स्पाइसजेट के द्वारा इस सेवा को दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CII की बैठक में आयोजित सेशन के दौरान शिक्षा से वंचित छात्रों के लिए अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि देश के लगभग 15 करोड़ बच्चे और युवा आज भी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से वंचित है। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों के 1200 गांव की 5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जहां बचाव और राहत अभियान जारी है। राहत आयुक्त कार्यालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 जिलों के 1243 गांव में 5,46,049 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। भारतीय रेलवे आज यानी 12 अगस्त से अपनी अनरिजर्व ट्रेन चलाना शुरू कर चुकी है। उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों को पूरी तरह से रिजर्व मेल या एक्सप्रेस की ट्रेनों को अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन में बदलने का फैसला किया है। ये परिवर्तित अनरिजर्व ट्रेन 12 अगस्त 2021 से भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चल चुकी है। केंद्र सरकार ने बीते दिन गुजरात हाईकोर्ट को बताया है कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 रोधी टीका लगवाने से मना करने वाले अपने एक कर्मी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। टीका लगवाना सेवा की शर्तों में शामिल किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी कांस्य पदक विजेता विवेक सागर और नीलाकांता, ऐश्वर्या प्रताप सिंह, कोच अशोक ध्यानचंद, शिवेंद्र सिंह और मिंटो हाल में सम्मानित किया गया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित किया है। वहीं विवेक सागर को मध्य प्रदेश पुलिस में DSP की पोस्ट भी दी है। 15 अगस्त को भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। आजादी के इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमेरिका के एक प्रमुख भारतीय प्रवासी संगठन टाइम्स स्क्वायर पर अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह अभी तक नहीं सुलझी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनों सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। ये मुलाकात महज एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि नए प्रदेश अध्यक्ष के रवैये को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से नाराजगी जाहिर की थी। WHO ने कोविड-19 महामारी विज्ञान की साप्ताहिक अद्यतन जानकारी 10 अगस्त को जारी की, जिसमें बताया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कोविड-19 के आंकड़े मई महीने में चरम पर पहुंच गए थे, लेकिन बीते एक महीने से संक्रमण के मामलों की संख्या लगभग स्थिर बनी हुई है। इसकी प्रमुख वजह है कि भारत में मामले स्थिर है। वीकली एक्सपायरी के दिन यानी गुरुवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में मजबूती के साथ कारोबार दर्ज किया गया। आज शुरुआती कारोबार में BSE का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 115.29 पॉइंट की मजबूती के साथ 54,641.22 के स्तर पर खुला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरभ कुमार, खुशबू कुमारी, मनीष मोहरा, विकी मल्होत्रा, प्रवेश यादव, गौतम कुमार, आशीष कुमार, आनंद कुमार, सौरभ कुमार, राजवर्धन कौशिक, शंकर सिंह, मनीष कुमार, शहीद कुमार, राजू कुमार सिंह, दयाशंकर, संतोष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह को खत्म करने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।